हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बॉली मीडिया में। यहाँ आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग और टीवी सीरियल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब एक लघु फिल्म में वापसी करने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जरीना आगामी लघु फिल्म कश्मीरियत से पर्दे पर लौट रही हैं। उन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर बात की है। उन्होंने कहा, कई भूमिकाओं को निभाने के बावजूद ये निश्चित रूप से बहुत गहराई वाली कहानी है। इसे इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि मैं इसे शूटिंग से पहले ही अपने दिमाग में देख पाई हूँ। खासकर क्लाइमेक्स वाला हिस्सा जबरदस्त है। ईमानदारी से कहूँ तो ये अभी भी मेरे जहन में बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी एक माँ बेटे के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के निर्देशक दिव्यांशु पंडित ने एक कश्मीरी होने के नाते कहानी के प्रति अपना भावनात्मक लगाव व्यक्त किया है। दिव्यांशु ने कहा, एक कश्मीरी होने के नाते मैं हमेशा से इसकी कहानी बताना चाहता था और आखिरकार मैं इसे अपने माध्यम से बता रहा हूँ। एक खास एजेंटे और मीडिया के एक प्रमुख वर्ग के जरिए संचालित होने वाली आवाजों ने हमेशा कश्मीर, उसके लोगों और भारतीय सेना की एक छवि बनाई है जो कि पूरी तरह से बकवास है। उन्होंने आगे कहा, हमारी लघु फिल्म में हमने दिखाया है कि घाटी में जो दुष्चर्य है वो वास्तव में योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। कश्मीर एक अत्यंत जटिल विषय है, चूँकि दुनिया को इसका केवल एक पक्ष दिखाया गया है। यह जब मैंने अपनी फिल्म के जरिए इस जटिलता के पीछे का दूसरा पक्ष भी दिखाने का प्रयास किया है, जिसे मुख्य धारा में कभी चित्रित नहीं किया गया है। दिव्यांशु ने कहा, इस माँ और बेटे की कहानी के जरिए दर्शक घाटी के अधिकांश परतें देखेंगे। इस फिल्म में जरीना के साथ नवीन पंडित, अंशुल त्रिवेदी, अभय भार्गव और रोहित सागर गिरधर भी हैं। आशुतोष पंडित द्वारा निर्मित ये फिल्म 12 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज होगी। दोस्तों, आप कितने ही एक्साइटेड इस फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।